रायपुर में धान खरीदी के टूटे सभी रिकॉर्ड, सीएम ने दी किसानों को बधाई। महासमुंद में मजदूरों को नहीं मिल रहा है वेतन, कई मजदूरों का छीना रोजगार। गौरेला पेंड्रा में प्रशासन की छापामार कार्रवाई, करीब 400 बोरा धान बरामद। सरायपाली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त कर ली गई। सख्ती में चोरों की घटनाओं पर नहीं लग रहा है अंकुश, मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी की। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में इस बार सर्वाधिक धान की खरीदी हुई है। अब तक की धान खरीदी में पिछले वर्ष का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। आपको बता दें इस साल 16 जनवरी तक 98.92 लाख मेट्रिक धान की खरीदी हुई है, जो कि पिछले साल से अधिक है। वहीं इस नई उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री ने किसानों को बधाई दी है। इस बार करीब 25 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है और करीब 23 लाख किसानों ने धान बेचा है। अब तक करीब 75 लाख से अधिक मीट्रिक टन धान का उठाव भी हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता प्रतीक। प्रतीक, इस बार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ज्यादा हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री ने किसानों को बधाई दी है। जी नंदिनी जी, निश्चित तौर पर बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण सन 2000 में हुआ था, जिसके बाद से अब तक की सबसे अधिक धान की खरीदी है। अभी तक छत्तीसगढ़ में इतने धान की खरीदी नहीं हुई थी। इस समय छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड टूटा है धान खरीदी का। जी बता दूं, 16 जनवरी तक 98.92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जिसके एवज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किसानों को बधाई भी दी है। जी, इस पर, इस पूरे प्रक्रिया पर किसानों का क्या कुछ कहना था, इतनी बड़ी धान खरीदी हुई, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं? जी नंदिनी, निश्चित तौर पर बता दूं, धान खरीदी की सहलिकता, धान खरीदी में किए तमाम व्यवस्थाओं के चलते इस समय धान किसानों ने सबसे ज्यादा बेचा है और किसानों की सबसे ज्यादा धान खरीदी गई है। और निश्चित तौर पर बता दूं कि इस समय किसानों की संख्या भी पंजीयन में अधिक बढ़ी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक। महासमुंद के 5 धान संग्रह केंद्रों में काम कर रहे मजदूरों को 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे मजदूर परेशान है और अपना रोजगार चलाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिले के 5 संग्रह केंद्रों में लगभग 100 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर मजदूरों को काम न होने का हवाला देकर निकाल दिया गया। इन मजदूरों को एक महीने में लगभग 9,000 रुपए मिलते हैं, जिनमें उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना होता है। तो वहीं अब मजदूर 5 महीने से वेतन न मिलने और काम से निकाल देने से अपने परिवार का पोषण की चिंता सता रही है उनको। वहीं आलाधिकारी जल्द भुगतान को हो जाने का हवाला भी दिया है। अभी अधिकारी के पास भी हम लोग मिले और हमारा तनख्वाह भी अभी 5 महीना लगभग नहीं मिला है और रोजी रोटी की समस्या हमको जा रही है, दिक्कत हो रही है। और नियम को ताक में रखकर अभी पृथक किया गया हम लोगों को, जो अभी 10 जने हमारे यहाँ बजट में है, बजट को रखे हैं, उनको रखेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और अन्य 3 जने और रखे हैं जो अकुशल है, एक अर्धकुशल है, हमसे पीछे आया हुआ है और अकुशल दोनों को रखे हैं, जबकि हक बनता है अर्धकुशल को रखने का। तो इसीलिए हम यहाँ पर निवेदन करने आए थे आप सर से। मजदूर आए थे वो संग्रहण केंद्र में, कार्यरत मजदूर हैं जिनको अर्धकुशल अकुशल में रखा जाता है। अभी उनका डिमांड मुख्यालय भेज दिया गया है, मुख्यालय से जैसे ही आएगा उनका भुगतान कर दिया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता विकास शर्मा। विकास, देखा जाए तो जिस तरीके से धान संग्रह केंद्रों ने मजदूरों को निकाल दिया, ऊपर से उनका वेतन भी नहीं दिया है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी नंदिनी, मैं पूरा मामला आपको बताना चाहूंगा। जिले में कुल 5 संग्रह केंद्र जिसमें 100 लोग कार्यरत है और कई जगह ये हमको देखने को मिल रहा है कि नियम को ताक में रखकर इनको हटाया गया है, अकुशल को रखा गया है, जबकि नियम है अर्धकुशल को रखा जाए, कलेक्टर दर पर इनको रखा जाता है और नियम के विरुद्ध इनको हटाया गया है। जी।
विकास, बताया जा रहा है कि मजदूरों को 5 महीने की वेतन नहीं मिली है, जिससे उन्हें परिवार का भरण पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इनको 5 महीने का वेतन नहीं मिला है। अभी विगत 1 माह का वेतन इनको 9,000 रुपए डाला गया है। इनको परिवार पालने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरेला में अवैध धान पर प्रशासन की ओर से लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने राइस मिलर्स एवं व्यापारियों के गोदाम पर छापेमारी की और अवैध धान बरामद किया है। आपको बता दें कि छापेमारी में करीब 400 बोरा धान बरामद हुआ है, जो कि खाद्य विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तनवीर आलम हमारे साथ जुड़ेंगे। तनवीर, देखा जाए खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, 400 अवैध बोरे को जब्त कर लिया है। जैसा कि ये जो गोरेला पेशा मरवाही जिला है, जो ये अंतरराज्यीय सीमा का जिला कहलाता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर का जिला कहलाता है, तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, ये समर्थन मूल्य जो 20 रुपए 40 पैसे के समर्थन मूल्य पे धान खरीदी करे, तो कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेट छत्तीसगढ़ में धान का दिया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए जो बिचौलिए जो होते हैं, और ये सीमा की जो मैंने पहले ही बताया, जैसे चूंकि गोरेला पेंडा मरवाही जिला जो ये अंतरराज्यीय सीमा का जिला बॉर्डर का जिला है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से भी धान आती है। धान आने का कारण है कि किसानों से दुकान व्यापारी और राइस मिलर जो है किसानों से धान लेकर अपने रखते हैं, और जो गांव के जो गरीब किसान होते हैं जिनके पास खेत होता है लेकिन उतनी फसल पैदा नहीं कर पाते, तो उनके पट्टे के हिसाब से ये धान को कालाबाजारी और बिचौलिए काम करने का काम किया जाता है। इसी तरह से देखिए गोरेला पेंडा मरवाही जिले में ऐसी कई कार्रवाई पिछले दिन हुई, लेकिन ताजा तरीन कार्रवाई आज देखने को मिलेगी। 395 बोरा जो अवैध धान है, ये खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से टीम गठित करके ये खाद्य विभाग में ये धान को जब्त की, जो प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी जी तनवीर, क्या लगता है खाद्य विभाग की टीम आगे भी ऐसी कार्रवाई कर सकती है खाद्य अवैध बोरे को लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, जैसा कि 1 नवंबर से धान खरीदी हुई थी और 31 जनवरी तक ये धान खरीदी सभी मंडियों में होना है, तो अभी लगभग 15 दिन का समय बचा है, और इन आखिरी पलों में ये बिचौलिए ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मंडियों में किसान की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि लगभग ज्यादातर किसान अपने धान बेच चुके होते हैं, तो ये जो बिचौलियों का जो मामला होता है, ये इसी वक्त का ऐसे वक्त का इंतजार करता है कि जब मंडियों में ज्यादा किसानों की भीड़ ना हो, और तो आसानी से वो अपनी धान को मंडी तक पहुंचा सके, किसी की तरह घपला करके मंडी में। लेकिन प्रशासन इस पर बहुत सख्त निगरानी बनाए हुए, जो जिले की कलेक्टर है ऋषभ प्रकाश चौधरी, उन्होंने प्रशासन को सख्त टीम को एक निर्देशित किया है कि किसी भी मंडी में किसी भी प्रकार की अवैध जो धान है, ये काला बाजारी है, जो मिलरों के द्वारा जो धान को स्टॉक करके रखा जाता है गोदामों में, वहां पर लगातार छापा मारवाही करके ऐसी कार्रवाई की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तनवीर। सख्ती में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार यादव ने नगर पंचायत डबरा में 3 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीतम अग्रवाल ने बताया कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विधायक जी की मांग पर नगर पंचायत डबरा को 27 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य भी दिए गए हैं, तो वहीं अब विकास कार्यों में रफ्तार देखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र के विकास चाहते हैं, चाहे वो ग्राम हो, चाहे नगर पंचायत हो, नगरीय निगम हो, नगर पालिका हो, सबके विकास चाहते। तो अभी प्रत्येक नगर पंचायत ला 3-3 करोड़ रुपया और बिना दूजा भाव करे जो दे के काम करे, और आज भूमि पूजन रही सवाए, और ये क्षेत्र में बहुत सारा, अगर अलावा बहुत सारा अभी मुख्यमंत्री जो भेंट मुलाकात में आ रही तो घोषणा भी करे रही से, आज वो सबके यहाँ पर हम सुनाएं और बताएं क्षेत्र ला, तो पूरा क्षेत्र के जनता हर्षित थे। हमर प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के घोषणा के आज 3 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य, जैसे सीसी रोड, भवन, पुलिया आदि निर्माण कार्य के आज भूमि पूजन हमर क्षेत्र के विधायक के हाथ से किए गए। अभी साराडी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत हमर प्रदेश के मुखिया आए रहिन, तो उनमें भी हमारे प्रदेश के मुखिया 27 करोड़ के विकास कार्य के यहाँ घोषणा किए गए हैं, वो एक तो बहुत बड़े डबरा के लिए सौगात है। मैं हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे क्षेत्र के विकासशील विधायक ला मैं बारंबार धन्यवाद देता।
मानेंद्रगढ़ में विधानसभा कांग्रेस विधायक ने रेलवे की दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराकर अपना प्रचार किया, तो वहीं रेलवे की दीवारों पर विधायक के बड़े बड़े प्रचार लिखे नजर आ रहे हैं। बता दें कि रेलवे की संपत्ति पर बिना अनुमति किसी भी तरह का प्रचार करना दंडनीय अपराध है, जिसको लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने आज सहायक मंडल इंजीनियर रेलवे को ज्ञापन दिया है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करते हुए दीवारों से विज्ञापन हटाने की मांग रखी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता पवन। पवन, विधायक कांग्रेस के विधायक ने रेलवे के प्रशासन दीवारों पर अपना प्रचार प्रसार किया है, इसको लेकर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा है। जी मैम, इस पर ये मामला यह है कि जिस प्रकार से विधानसभा मंडलगढ़ के विधायक विनय जायसवाल द्वारा जो बार बार यह कृत्य किया जा रहा है, कभी नेशनल हाईवे के 43 में की दीवारों पर कभी कभी क्या वॉल पेंटिंग करा दी जा रही है, उसके बाद फिर रेलवे की दीवारों पर जो जिस प्रकार से इनके द्वारा जो कृत्य बार बार किया जा रहा है, इस मामले को लेकर आपके क्या भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं अंकुर जैन, इनके द्वारा इनके द्वारा बार बार जो ये मतलब कांग्रेस विधायक के द्वारा जो बार बार कृत्य किया जा रहा है, इस पर जो इन्होंने किया है इसके सॉरी मैम फोन काट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। सकती में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला एक व्यवसायी के घर का है, जहां लगभग 35 से 40 लाख की चोरी हो गई है। बता दें पूरा परिवार इलाज कराने के लिए रायपुर गए हुए थे, जिसके बाद घर के सोनेपन का फायदा उठाते हुए चोरी ने घर में धावा बोल दिया, जिसकी सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दी, तो वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे घर में चोरी हुआ है कल रात के, और हमारे सामने वाले घर के कैमरा को रात के 7-8 बजे मोड़ दिया गया पहले से, और ये घटना लगभग अधर कॉलोनी में चोरी हुई है, सामने राठौर कॉलोनी में चोरी हुई है, और ये अपने घर में 35 लाख से 40 लाख तक के आसपास का चोरी है ये, और कन्फर्म अभी देखना पड़ेगा कि कितना क्या चोरी है, अपने चेक करना पड़ेगा पुलिस वाले, क्योंकि हमको घर के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं अभी। और ये हफ्ता 10 दिन पहले अभी शक्ति में एक चोरी हुई थी, लंबी चोरी हुई थी, उनके यहाँ अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। अंबिकापुर में पुलिस ने बढ़ते अपराधियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए 70 लाख रुपए से अधिक की लागत से 35 चौक चौराहों पर 97 कैमरे लगाए हैं। बता दें कि बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं सरगुजा SP भावना गुप्ता ने बताया कि इंटीग्रेटेड CCTV कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 35 जगहों पर बुलेट कैमरा, मोटराइज कैमरा, NPR कैमरा सहित पैनोरोमिक कैमरा भी लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है वो कैमरा अत्याधुनिक है, जिससे होने वाले अपराधों को रोकने में योगदान मिलेगा। टोटल यहाँ पे सर 97 कैमरे लगे हैं। ये कैमरे की जो कनेक्टिविटी है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी की गई है। पूरी चौकों को 35 चौक्स हैं, उनको हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा है, और सेंट्रलाइज एक कंट्रोल रूम में उसका फीडबैक लाके हमने दिया है। आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में इंटीग्रेटेड CCTV कंट्रोल रूम सरगुजा का शुभारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के महानिदेशक माननीय श्री अशोक जुनेजा जी के कमलों से इसका उद्घाटन किया गया है। ये शहर के लिए एक महत्वपूर्ण इसको मैं पहल और उपलब्धि मानूंगी, क्योंकि पिछले वर्षों में देखा गया था कि डिस इंटीग्रेटेड वे में कुछ कुछ जगह पे कैमरे लगे हुए थे, और अभी इस माध्यम से लगभग 97 स्पॉट्स पे हाईटेक कैमराज, जिसमें बुलेट कैमराज, ANPR कैमराज, पैनोरोमिक कैमराज का ये एक नेटवर्क बिछाया गया है, और इसमें पुख्ता अपराध रोकथाम और अपराध नियंत्रण पे पुलिस को और सफलता प्राप्त होगी।
अंबिकापुर के सरगुजा जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पिछले कई दिनों से रुपए नहीं होने की वजह से किसान परेशान है, जिसको लेकर परेशान किसान नेशनल हाईवे को जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान किसानों ने बैंक प्रबंधन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि रुपए नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसी तरह विरोध प्रदर्शन को शांत करवाया और बैंक प्रबंधन से बात कर समस्या निस्तारण करने की बात कही है। सरकारी बैंक में, जिला कोऑपरेटिव बैंक में, वहाँ ला पैसा हमके देते नहीं है। शुक्रवार के जमा करें हम, वो पासबुक में है, वो देते नहीं है। आज दूँ कल दूँ, और कम से कम वहाँ ले हम 100 रुपये का पेट्रोल प्रतिदिन जलाए के आता। पैसा ले आए तो बोल कि अभी आते तभी आते, बैठाए बैठे बताओ बियर खाए पी आए, अब बैठे हैं ना बेर बुढ़े बुढ़े का टाइम दही नहीं है, कहीं तो जाने में तकलीफ है, रात भी रहना जाना पड़ जाते। पैसा नहीं दे रहे हैं, किसान धान बेच रहे हैं उसका। कहाँ गए थे, कहाँ नहीं मिल रहा पैसा? बैंक में। कौन सा बैंक? सरकारी बैंक, जिला सरकारी बैंक। कब से परेशान है? अभी 13 तारीख के जमा किए हैं, उस दिन बोले कि 20,000 जमा करो, 20,000 जमा किए फिर भी कान कोठे नहीं मिल रहा है, तो 49,000 कान कोठे की देने के लिए बोले हैं, फिर भी नहीं दे रहे हैं। कुछ कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित शिकायतें हैं किसानों की, जिसको हमने सुना है, और इनके प्रतिनिधि और कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर को ये बुलवा के आपस में बैठ के बातचीत करने का मैंने सुझाव दिया है, ताकि यहाँ पे जो भीड़ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है वो बंद हो जाए, तो बैठ के बातें करते हैं और सबकी समस्या का समाधान किया जाए। खबर अकलतरा से है, जहां पुलिस को एक कबाड़ की दुकान में चोरी का सामान छुपा कर रखने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, जहां गोदाम में भारी मात्रा में लोहे के एंगल सरिया दरवाजा समेत कई कुंटल लोहे का सामान बरामद किया गया है। कबाड़ दुकानदार इन सामानों के संबंध में कोई वैध कागजात पेश नहीं कर पाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए दुकानदार को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सरायपाली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, ढाबे में अवैध रूप से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भंडारण कर रखा हुआ था, जिसे सूचना मिलने पर पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसमें कुल 170 कार्टून निर्मित अंग्रेजी शराब मिली है। शराब की कीमत 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं आरोपी ने बताया कि उक्त शराब को ढाबे के संचालक ने 2,000 रुपए प्रति महीने किराए पर उसके मकान पर रखवाया था। तो वहीं अब सभी आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत थाना सरायपाली में कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर से सरायपाली पुलिस को सूचना मिली थी और कि एक गोटिया ढाबा है, अवैध रूप से शराब का कहीं बेच रहा है और भंडारण किए हुए है। इस पर से कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और पुलिस टीम सरायपाली द्वारा छापामारी की कार्रवाई की गई। इसमें एक मांझी जी का मकान है, जिसमें अजीत पटेल और उसका भाई दोनों अवैध रूप से भंडारण किए गए थे, जहाँ पर तलाशी लेने पर 170 पेटी गोवा कंपनी की दारू पाई गई है। सर, उसकी बाजार कीमत क्या हो सकती है? सर, बाजार कीमत लगभग 10,00,000 के करीब बाजार कीमत है इसकी। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।